इसराइल हमास को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट खुलकर सामने आ रही है, वो आईसी यानी दुनिया के तमाम सुल्तान मुस्लिम ममालिक एक प्लेटफार्म पर आकर इसराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठा लिया है, बड़ा कसम उठा लिया है। आपको बता दें कि वो आईसी यानी दुनिया के सुल्तान ममालिक इसराइल के खिलाफ आज नया बयान जारी कर दिया और नया नोटिफिकेशन तमाम मुसलमानों को सुना दिया, जिस बयान के लिए दुनिया भर के मुसलमान इंतजार कर रहे थे और इस इंतजार में थे कि आखिर सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान क्या इशारा देते हैं इसराइल के खिलाफ। और आज मोहम्मद बिन सलमान ने वो कर दिखाया जिसका तमाम मुसलमानों को इंतजार था। जो तो आपको बता दें कि लगातार मोहम्मद बिन सलमान बयान पर बयान जारी कर रहे हैं, क्या बयान है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब से अब जो है पेट्रोल भेजना इसराइल को बंद कर दिया है, यानी ये वादा आज इसराइल के खिलाफ ओआईसी बैठक में लिया गया है। यही नहीं बल्कि आपको बता दें कि ईरान के प्रधानमंत्री हसन रोहनी ने भी कसम उठाया है कि हम भी ये अपने देश से अब डीजल इसराइल को नहीं भेजेंगे। इसराइल को अब सबसे बड़ा जो झटका लगने वाला है वो ये है कि जिन टैंकों के जरिए और जिन जेसीबी के जरिए जो है मुस्लिम घरों को तोड़ने का लगातार इसराइल काम कर रही थी, जिन पेट्रोल और डीजल का खर्च जो है वो लगातार इसराइल उठा रही थी, अब वो पेट्रोल और डीजल बंद कर देगा। ईरान के प्रधानमंत्री हसन रोहनी और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान, अब होगा ये कि इसराइल की नींद हराम हो जाएगी और इसराइल के तमाम मंसूबे पर अब पानी फिर जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से इसराइल फिलिस्तीन मां बहनों को सताने पर लगे थी, अब पूरे मुस्लिम ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर आकर के ये कह दिया है कि जो कुछ भी अब तक इसराइल किया है एक एक खून के कतरे का हिसाब अब इसराइल को देना होगा। और ये देखिए वो आईसी का ये जो आपके सामने रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में खास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान ने जिक्र किया है कि अब इसराइल के खिलाफ तमाम देश मिलकर के मुकदमा चलाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया इसराइल के जुल्म के खिलाफ रोड सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं हमारे भारत देश में अंधभक्त जो है जालिम का साथ दे रहे हैं। लगातार ये वीडियो देखिए किस तरीके से हमारे भारत देश में जालिम इसराइल का साथ दिया जा रहा है। अब जरा सोचिए और इनसे पूछिए कि अगर तुम्हारी मां बहनों के साथ इस तरीके से जुल्म होता तो तुम जालिम के साथ रहते या मजलूमों के साथ रहते। दोस्तों ये वीडियो इन तमाम अंधभक्तों को भेज दीजिएगा ताकि इसराइल के समर्थन में जितने भी अंधभक्त अभी भी खड़े थे उनकी भी नींद हराम हो जाए और उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए कि अब देखो तुम्हारे बाप के खिलाफ मुस्लिम ममालिक यानी दुनिया के सुल्तान ममालिक ने कितना बड़ा कदम उठा लिया है। देखिए दोस्तों और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों तमाम भाइयों तक, इस खबर को फैला दीजिए ताकि हमारे मां बहनों के हक में दुआ करें और इसराइल के जुल्म से हमारे फिलिस्तीन मां बहनों को बचाया जा सके। ये QR कोड आपको सामने दिख रहा होगा, नंबर भी दिख रहा होगा दोस्तों, इन गरीब भाई बहनों के लिए आपसे जितना हो सके 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए जितना आपसे हो सके दोस्तों, आप एक दिन का नाश्ता नहीं कीजिए, लेकिन इन गरीब भाई बहनों को इनको ठंडी से जरूर बचाइए, इन मजलूमों को जरूर बचाइए, इनकी मदद कीजिएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह भी आपकी मदद करेंगे। दोस्तों आपके स्क्रीन पर यह QR कोड दिख रहा होगा, गरीब बच्चे बहन भाइयों के लिए जो है आप 10 रुपए 20 रुपए जितना भी हो सके आप हमें जो है जरूर भेजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तमाम मुसलमान भाइयों तक फैलाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप फिलिस्तीन भाई बहनों के साथ हैं या इज़राइल के साथ हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली खबर के साथ। बना रहिए सच की आवाज टीम में। जय हिंद।